मैं डॉक्टर बीडी पाठक नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ बढ़ती हुई ठंड से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है सर्दियों में, और उसकी वजह से जो पाइल्स की, फिशर की, फिस्चुला की ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो आपको सर्दियों में खान पान में बहुत ध्यान रखना है, सब्जियाँ, सैलेड, गाजर, मूली, साग, फल ये इत्यादि, और पानी का सेवन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में हम पानी का सेवन कम करते हैं, तो पानी का सेवन ज़्यादा रखिए। और फिर भी इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप किसी पास के निजी सर्जन से जाके मिलें, क्योंकि आजकल जो ये पाइल्स की सर्जरी हैं, जो फिस्चुला की हैं, फिशर की हैं, ये लेप्रोस्कोपिक अपना लेज़र विधि से भी होती हैं और स्टेपलर विधि से भी होती हैं। इसमें कोई चीरा नहीं लगता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है और बड़ी आसानी से आप सर्जरी करा के घर जा सकते हैं। तो हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में ये सारी सुविधाएं, लेज़र की सुविधाएं, स्टेपलर की सुविधाएं, जो भी लेटेस्ट टेक्निक हैं सब उपलब्ध हैं। तो किसी को भी कभी दिक्कत है तो आप आकर के यहाँ पे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।